शादी हिंदुस्तान में करो, हिंदुस्तान के बाहर जो शादी करने के लिए, जी नहीं, मेड इन इंडिया। अब कश्मीर और जम्मू के लोग, हमारे श्रीनगर के लोग यहाँ 3 दिन 4 दिन बारात लेकर के आए, धूमधाम से खर्चा करे, यहाँ के लोगों को रोजी रोटी मिलेगी। प्रवासी भारतीयों को जो दुनिया में रहते हैं ना, क्योंकि मेरा उनसे आग्रह है कि आप डॉलर पाउंड लाओ या न लाओ, लेकिन कम से कम 5 परिवार जो बिन भारतीय हैं, उनको हिंदुस्तान देखने के लिए भेजो। और इसलिए आज प्रवासी भारतीयों को भारत आने के लिए प्रोत्साहित करना, उनके दोस्तों को प्रोत्साहित करना, और इसलिए चलो इंडिया अभियान शुरू हो रहा है। इस अभियान के तहत चलो इंडिया वेबसाइट के द्वारा दूसरे देशों में रहने वाले लोगों को भारत आने के लिए प्रेरित किया जाएगा। इन योजनाओं और अभियानों का बहुत बड़ा लाभ जम्मू कश्मीर के आप लोगों को मिलना ही मिलना है। और मैं तो आपको मालूम है, एक और मकसद लेके काम कर रहा हूं मैं। जो भी टूरिस्ट इंडिया के भी निकलते हैं ना, उनको कहता हूं आप जाइए, लेकिन एक काम मेरा भी करिए। और मेरा क्या काम है, मैं उनको कहता हूं कि आप यात्रा का जो टोटल बजट होगा, उसमें से कम 5-10% बजट आप जहां जाते हैं वहां से लोकल कोई न कोई चीजें खरीदे, ताकि वहां के लोगों को आय हो, उनका रोजगार बढ़े, और तभी टूरिज्म बढ़ता है। सिर्फ आए देखे चले गए नहीं चलेगा, आपको 5% 10% कुछ खरीदना चाहिए। आज मैंने भी खरीदा, श्रीनगर आए, एक बढ़िया चीज देखी, मन कर गया, मैंने भी ले लिया। और इसलिए मैं इसके साथ इकोनॉमी का बड़ा मजबूत बनाना चाहता हूं। साथियों, इन योजनाओं से यहां पर्यटन उद्योगों का भी विकास होगा, रोजगार के नए अवसर होंगे। मैं जम्मू कश्मीर के मेरे भाई बहनों को इन विकास कार्यों के लिए बधाई देता हूं। और अब मैं एक नए क्षेत्र के लिए आपको आह्वान करता हूं। जैसे फिल्म शूटिंग के लिए ये क्षेत्र बड़ा पसंदीदा क्षेत्र रहा है, अब मेरा मिशन है मेड इन इंडिया, शादी हिंदुस्तान में करो, हिंदुस्तान के बाहर जो शादी करने के लिए अनाप शनाप रुपये डॉलर खर्च करके लोग आते हैं, जी नहीं, मेड इन इंडिया। अब कश्मीर और जम्मू के लोग, हमारे श्रीनगर के लोग, अब हमें मेड इन इंडिया के लिए लोगों को शादी के लिए यहां आने का मन कर जाए और यहां के पर बुकिंग करे, यहां 3 दिन 4 दिन बारात लेकर के आए, धूमधाम से खर्चा करे, यहां के लोगों को रोजी रोटी मिलेगी, उस अभियान को भी मैं बल दे रहा हूं। और साथियों, जब इरादे नेक हो, संकल्प को सिद्ध करने का जज्बा हो, तो फिर नतीजे भी मिलते हैं। पूरी दुनिया ने देखा कि कैसे यहां जम्मू कश्मीर में G20 का शानदार आयोजन हुआ।